हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो वेव फंक्शन है उस पर काफ़ी चर्चा करी थी। हम लोगों ने वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन देखा था, किस तरह से करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। कुछ कुछ बातें हम लोगों ने देखी थी, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने दो दो एग्जाम्पल्स किए थे जहाँ पे हम लोगों ने वेव फंक्शंस को नॉर्मलाइज करके देखा था कि किस तरह से इसका नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग निकालते हैं। आज वेव फंक्शन में आप बातें थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी सी अच्छी बातों पे, जो बेसिकली जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक वेव फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से उसको हम आइडियली दिखाते हैं कॉपी पर, किस तरह से हम उसको लिखते हैं, क्या उसके सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेसिकली जब भी हम वेव फंक्शन लाइक हम लोग लिख रहे थे कि साई एक्स हमने लिखा, ठीक है, हमने लिखा साई एक्स, ठीक है, तो इस साई एक्स को हम इस सिंपली साई एक्स इज इक्वल टू सम ए इंटू ई रेस टू पावर समथिंग माइनस एफ एक्स या आई समथिंग, कुछ इस तरह से नहीं लिखते हैं। हम इस साई एक्स को एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, एक पर्टिकुलर सिंबल के अंदर लिखते हैं, एक पर्टिकुलर एक चीज होती है जिसके अंदर लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है ना। ये ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट से ही बना हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि एक जो इस तरह का ब्रैकेट आपने देखा होगा, इस तरह का एक ब्रैकेट आपने देखा होगा, देखा है, बिल्कुल देखा होता है। इसी को दो भागों में हम तोड़ देते हैं, इसी को हम दो भागों में तोड़ देते हैं। ये वाला भाग अलग हो जाता है और ये वाला भाग अलग हो जाता है, ठीक है। एक भाग हमारे पास ये बन गया और एक भाग हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रा और इसको बोलते हैं हम लोग कैट, ब्रैकेट बन गया। इसके अंदर हम साई को रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। जो सिंपल हम साई लिखेंगे वो उसको हम इस वाले कैट के अंदर हम दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? ये जो होता है, जब भी हम इस सिंबल की बात कर रहे हैं, जब भी हम इस सिंबल की बात कर रहे हैं, तो ये उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर जो भी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे साई की बात कर रहे हैं, तो साई की एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेट को दिखाता है। किसको दिखाता है? एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेट या पर्टिकुलर स्टेट, है ना। सिंपल भाषा में बात करिए तो पर्टिकुलर स्टेट को दिखाता है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेट और पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, तो इसके अंदर ही हम इसको दिखाते हैं। यानी हम जब साई लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। जो ये वाला नोटेशन है, इसका अपोजिट ये वाला ब्रा नोटेशन, ब्रा साई जब हम लिखते हैं, तो ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है? दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कैट साई, ऑफ कैट साई, दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कैट साई। क्या मेरी बातें क्लियर है? कि जब हम इसको लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? जिसे हम लोग साई लिखते हैं, साई लिखा तो हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? साई स्टार, ठीक है। तो उसी तरह से इस नोटेशन में हम किस तरह दिखाएंगे कि अगर साई की जगह पर हम कैट साई लिख रहे हैं तो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की जगह पर क्या लिखेंगे? हम ब्रा साई लिखेंगे। क्या बात है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नोटिफिकेशन, सॉरी नोटेशन फॉर द किसी भी पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए। हम लोग जनरली जो अलग चीज़ों की बात करते हैं, लाइक हम लोग मोमेंटम को दिखाएंगे या मतलब अलग अलग चीज़ों को भी हम इसके अंदर दिखाएंगे, ताकि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की एब्स्ट्रैक्ट स्टेट हम बता सकें, ठीक है। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी अब अच्छी हम कैलकुलेशन वाइज बातों पे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन वाइज बातों से मेरा क्या मतलब है कि लाइक जब भी हमें क्वेश्चंस दिए होंगे, जब भी हमें क्वेश्चंस दिए होंगे, तो किस तरह के वेव फंक्शन से हमें सामना करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, जब भी हम वेव फंक्शंस की बातें करते हैं, मैंने इस पर काफ़ी चर्चा करी, वेव फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने समझाया कि कुछ भी हम नहीं निकाल सकते हैं इसके। जब हम इसका मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा कुछ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइप का कुछ आता है उसमें, डीएक्स का, मतलब अलग अलग चीज़ तरह से मैंने उसको समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। जनरली हमें ये दो तरह से दिया होगा, ठीक है। एक तरीका होगा जबकि हमें साई एक्स जो है, जबकि हमें जो साई एक्स है वो किसी फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में सिंपल दिया गया, एक केवल फंक्शन ऑफ एक्स का फॉर्म लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लाइक साई एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, फॉर एग्जाम्पल साई एक्स आपको दिया हुआ है ए
या सिंपल लिख लेते हैं, पूरा वेव फंक्शन लिख लेते हैं, रूट टू बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, कुछ फंक्शन ऑफ एक्स का फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी आगे पढ़ेंगे कि पार्टिकल इन अ बॉक्स का वेव फंक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से दिया है, इस तरह से हमें दिया जाता है। हम भी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह से दिया हुआ है। दूसरा तरीका देने का क्या होता है साई को, जो दूसरा तरीका है वो आपको कुछ इस तरह से दिया होगा कि साई एक्स इज अ लाइक समेशन सी आई फाई आई, इसका मतलब क्या है, लाइक इस तरह से दिया होगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि साई एक्स इज इक्वल टू कुछ सी वन फाई वन है ना प्लस सी टू फाई टू प्लस सोन, यानी डिफरेंट डिफरेंट आपके बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आपको साई दिया गया है। थोड़ा सा आई होप मतलब मुझे पता है थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आपको समझने में आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी अच्छी तरह से इसको समझा सकूँ। इसका मतलब क्या समझते हैं, बहुत गौर से समझना है, यहाँ पे मिस मत करना, अगर कहीं और ध्यान है तो अभी यहाँ पर आ जाओ क्योंकि ये चीज़ मिस मत करना वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आगे। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझो कि जैसे ये लिखा हुआ सी वन साई वन सॉरी सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू, इस तरह से और भी आगे हो सकता है। तो लाइक जैसे ये समझो कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, लाइक हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम मान लो, ठीक है, या आप कोई भी पार्टिकल इन अ बॉक्स मान लो, हालांकि पार्टिकल इन अ बॉक्स अभी हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, फिर भी मान लो, या कुछ हाइड्रोजन एटम मान लो, तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है। इस पूरे कंप्लीट सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से साई एक्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऐसे समझो ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि जब मान लो पार्टिकल इस पहले एनर्जी स्टेट में है, जब पार्टिकल ये नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार इस तरह से दिया हुआ है, तो जब पार्टिकल पहले एनर्जी स्टेट में है तो उसके लिए जो वेव फंक्शन लिखेंगे वो हम लिखेंगे फाई वन, क्या लिखेंगे फाई वन, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे फाई टू, तीसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे फाई थ्री, चौथे वाले के लिए क्या लिखेंगे फाई फोर, पांचवें वाले के लिए क्या लिखेंगे फाई फाइव, हाई फाइव नहीं फाई फाइव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग सारी स्टेट्स के वेव फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब पार्टिकल तो हमसे बोल दीजिए, इसको ऊपर से देखो, बताओ कि पार्टिकल कहाँ हो सकता है, पार्टिकल कैसे क्या दिया जा सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे लिखते हैं कि साई एक्स इज इक्वल टू, साई एक्स इज इक्वल टू पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इस वजह से हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा के सबको जोड़ देते हैं, तो लाइक यहाँ पर सी वन फाई वन में हो सकता है प्लस सी टू फाई टू प्लस सी थ्री फाई थ्री प्लस सो ऑन, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये है इसका मतलब, ये इसका फिजिकली मतलब कि क्या है सी वन फाई वन सी टू फाई टू, क्या बातें क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो इस दो, या तो भाई कंप्लीटली दिया होगा कि पूरा पूरा वेव फंक्शन आपको दिया गया, कंप्लीट वेव फंक्शन, ठीक है, और या तो फिर हम उसको टुकड़ों में तोड़ करके देख रहे हैं, ये जो है कंप्लीट वेव फंक्शन लिखा हुआ है किसी भी एक सिस्टम का, और ये उसको टुकड़ों में तोड़ के हम एक तरह से देख रहे हैं। हालांकि मोटा मोटा समझाने का तरीका है मेरा, बात समझ रहे हो ना कि क्यों मैं इसे बता रहा हूँ, ताकि बुद्धि में बात बैठ जाए, ताकि बुद्धि में बात बैठ जाए, समझ आ रहा है, गुड बॉय, ओके ठीक। अब जैसे यहाँ की बात करी, हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जानते हैं कि मॉड साई एक्स का होल स्क्वायर, मॉड साई एक्स का होल स्क्वायर, ओके, यहां पर भी क्या करेंगे, सेम ही काम करते हैं, मॉड साई एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ी सी अलग अलग तरह की क्रियाविधि मिलेगी, जरा करके देखते हैं, थोड़ा मजा आएगा, चलो कैलकुलेशन करते हैं, हालांकि मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखो कि वेव फंक्शन थोड़ा सा ऊपर वाला नोट कर लो, फिर अपन कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी, देखो यहां पर आओ, इस वाले वेव फंक्शन के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मान लो प्रोबेबिलिटी है पी वन, पी वन को हम किस तरह से लिखेंगे, पी वन को किस तरह से लिखेंगे, ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी ये क्या हमारे पास dp बाई dx, ये क्या हमारे पास dp बाई dx, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन मॉड साई एक्स स्क्वायर इंटू dx, करेक्ट है, करो क्या आएगा,
इंटीग्रेशन, इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आई वाला टर्म तो है नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे इसका स्क्वायर, यानी 2/L साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये आपको वेव फंक्शन में दिया होगा, लाइक यहाँ पर अगर सपोज दैट एक्स की लिमिट दी गई 0 टू एल, ठीक है, तो आपको वेव फंक्शन में दिया होगा, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे 0 टू एल, ठीक है। कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा, 2/L साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को चेंज कर लो, साइन स्क्वायर को जब चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2n पाई x बाई एल बाई एल अपॉन 2, अपॉन 2 बाहर कर लो, ठीक है, 0 टू एल इंटू डी एक्स, करेक्ट है। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ से, क्या आया यहाँ से 1/L इंटू, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा हमारे पास, ध्यान देखो, ध्यान देखो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का हो जाएगा x, तो x के पर आ जाएगा l, आगे वाला 0 हो जाएगा, आप करके देखो cos का साइन होगा, साइन में आप लिमिट रखोगे 0 हो जाएगा, आपको देखो प्रोबेबिलिटी पूरी 1 आ गई, प्रोबेबिलिटी पूरी 1 आ गई, ठीक है, ये तो हम जानते हैं आनी चाहिए थी, आई है, क्या आई है, बिल्कुल आई है, ठीक है। अब जरा इसकी बात जब हम करेंगे भाई, वो सिंपल था, हम करना जानते हैं कैसे करते हैं, सीधा मॉड एक्स आई एक्स का स्क्वायर किया, उसको किया सिंपल आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको करना, अब इधर वाला मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका यूज अब नहीं, थोड़ा सा मैं इस पे बातें करूंगा, ठीक है। देखो चलो उधर ही लिख लेते हैं इसको भी, हमने क्या देखा कि हम वेव फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे, जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो साई एक्स इज इक्वल टू सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू, चलो हमने बस दो के फॉर्म में इसे लिख लिया, ज़्यादा लिखेंगे तो कैलकुलेशन फिर समझाना लेंदी हो जाएगा, समझ कम आएगा, ठीक है, अभी इससे समझ अच्छे से आ जाएगा। चलो ये हमने किया, ओके, हम जानते हैं कि हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती, हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो हम करते क्या है कि जो ये करते हैं कि हम ये नहीं करते, ये करते हैं, ठीक है, मॉड साई एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ठीक है, करो जरा मॉड साई एक्स का स्क्वायर करो, देखो इसका मतलब क्या है, क्या साई, इसका मतलब है साई स्टार साई, क्या इसका मतलब है साई स्टार साई, मॉड साई एक्स का मतलब क्या होगा, साई स्टार साई। अच्छा मैंने एक बात आपको बताई कि जब भी ब्रैकेट नोटेशन दिया होता है, जब भी ब्रैकेट नोटेशन, अब जनरली जब भी हम ब्रैकेट नोटेशन की बात करते हैं तो हमने जो दो फॉर्म लिखे थे, एक फॉर्म हमने लिखा साई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप वाला, और दूसरा हमने लिखा साई एक्स इज इक्वल टू समेशन सी आई फाई आई वाला, ठीक है। तो जनरली जब हम ब्रैकेट नोटेशन की बात करते हैं तो ये इसमें जनरली हम ब्रैकेट, मतलब जो हमारा ब्रैकेट नोटेशन होता है इसमें जनरली हम दिखाते हैं, हालांकि इसमें दिखा दोगे तो और एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन जनरली आपको जो बुक्स वगैरह में भी या जनरली आपको देखने को मिलेगा तो इसमें जनरली हम दिखाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा होता है तो उसको ऐसे लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बट वहाँ पर कैलकुलेशन एरर के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, हालांकि दिखाना वहाँ भी चाहिए, ठीक है, ओके। तो हम जानते हैं कि भाई जो हमारे पास कैट है, कैट होता है हमारे पास सीधा फंक्शन, और ब्रा जो होता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं कि साई एक्स है ना इंटू साई एक्स, ये हमारा क्या हो गया ब्रैकेट नोटेशन में, इधर वाला क्या है साई स्टार और इधर वाला क्या है सिंपल साई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो तो इसको जरा देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, इसको अलग से दिखते हैं। जब हमारे पास ये इस तरह से लिखा हुआ था, जो सिंपल सीधा फंक्शन लिखा हुआ था, कैट साई लिखा हुआ था, इसका जब हम ब्रा साई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी सी वन का स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उल्टा कर दो, फाइव वन प्लस सी टू का स्टार, ठीक है भाई, यहाँ सी वन सी टू भी आपके इमेजिनरी पार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर अपन सी वन सी टू को भी स्टार में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसको इस पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल, भाई वही तो कराना है हमें, ब्रा साई इंटू केट साई, ठीक है, जब करेंगे ब्रा साई इंटू केट साई क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले ये वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी वन स्टार इंटू फाइव वन प्लस सी टू स्टार इंटू फाइव टू, ठीक है, ये आ गया आपका ब्रा साई, ठीक है, कैट साई क्या आ जाएगा आपके पास, सी वन फाइव वन प्लस सी टू फाइव टू, ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लाई कराओ,
पहला क्या जाएगा, C1 स्टार इंटू C1 स्टार मॉड C1 स्क्वायर इंटू Φ1 ब्रा Φ1 इंटू कैट Φ1, ये आ गया प्लस, इसका इसमें कराओ C1 स्टार C2 इंटू ब्रा Φ1 कैट Φ2, करेक्ट है, प्लस इसका इसमें कराओ, यहाँ पे स्टार है, प्लस C2 स्टार C1 इंटू ब्रा Φ2 इंटू कैट Φ1, प्लस इसका इसमें सी मॉड C2 स्क्वायर इंटू ब्राकेट Φ2। लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, काफी कॉर्नर में हो गया है, ठीक है दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड C2 स्क्वायर इंटू Φ2 ब्राकेट के अंदर, दोनों Φ2 है, ठीक है, ओके बॉस, ओके बॉस। यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब हमें थोड़ी सी इसकी गणित की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा ब्रैकेट एलजेब्रा होती है इसकी जरूरत पड़ेगी, और उसको मैं सिखाऊंगा प्रॉपरली क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ये। अच्छा देखो समझने के लिए, जैसे हम लोग अभी यहीं पर रुके हैं, ठीक है, इसको मैं साफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें अभी वैल्यूज रखनी बाकी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे समझेंगे, इसको समझो जरा, देखो इसको समझने के लिए मैं एक रेफरेंस लूंगा वेक्टर्स का, इसका वेक्टर्स का, बिल्कुल जैसे वेक्टर्स करते थे ना, कुछ उसी तरह की इसकी गणित होती है, जैसे हम लोग इसमें हम लोग क्या लिखे कि कैट साई इज इक्वल टू C1 Φ1 प्लस C2 Φ2, चलो इतना है, ठीक है, प्लस कुछ भी चल लेता, दो बहुत, ठीक है। अब मान लो आपके पास 2D में एक प्लेन दिया गया है, 2D में एक प्लेन दिया गया है, और ये वो इमेजिनरी और रियल एक्सेस, ये रियल एक्सेस या आपकी इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट दिखाना है, तो कैसे दिखाते हैं कि 2, 3, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कैसे, 2i या सॉरी इसमें एक्स और वाई एक्सेस में, ठीक है, सॉरी एक्स और रियल इमेजिनरी नहीं, एक्स और वाई, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2i + 3j, इस तरह से लिखते हैं। तो हम कोई भी एक वैक्टर लिखना होता है, मान लो वैक्टर ए, क्या लिखा हमने, वैक्टर ए, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2i + 3j, ऐसे लिखते हैं, इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ आ रही है, तो अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, किसको, ए वेक्टर को और कैट साई को, ए वेक्टर को और कैट साई को, वो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समानता दिखेगी कि यहाँ पर हमें कुछ एक वेक्टर टाइप का दिया गया, यहाँ पर हमें कुछ वेव फंक्शन, कंप्लीट वेव फंक्शन, यहाँ पर कंप्लीट वेक्टर दिया गया, ठीक है, कुछ कॉन्स्टेंट है, कुछ कॉन्स्टेंट है, कुछ एक यहाँ पर हमारे पास एक जो लीनियर कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है, जो कि हमारे पास स्टेट का वेव फंक्शन है, उसी तरह से ये हमारे पास एक्स की, एक्स का यूनिट वेक्टर है ना, एक्स के लिए यूनिट वेक्टर, उसी तरह से C2 की जगह पर 3 है और Φ2 की जगह पर j, क्या यहाँ पे बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम टू सेम तरह की एक तरह से गणित बना सकते हैं हम, अगर हमें वेक्टर समझ आता है तो हम इसको बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं, लाइक ऑर्थोनॉर्मल की बात हम जब करते हैं, तो लाइक हमारे पास ऑर्थोगोनल है, ठीक है, दूसरा नॉर्मल होता है, तो लाइक अगर हमारे पास बोल दिया जाए कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कौन कौन, जैसे ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से होते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब जो आपके पास, जैसे ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है आपके पास, समझो कि लाइक i.i करेंगे, i. ये आपके ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो i.i करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1, और j.j करेंगे तो हमारे पास 1, फिर k.k करेंगे तो हमारे पास 1, चलो यहाँ पर k नहीं तो k की बात नहीं कर रहे, ठीक, उसी तरह से i.j करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, आई डॉट मतलब उसका किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, 0, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम Φ1 करते हैं, ब्रैकेट Φ1 करते हैं तो वो आएगा 1, और दूसरे के साथ करेंगे लाइक ब्रा Φ1 कैट Φ2 तो हमारे पास आ जाएगा 0, क्या बात समझ आ रही है, बिल्कुल सेम एनालॉजी यहाँ पर हमें अपनानी होती है, ऑर्थोगोनल ये भी होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वो भी होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल ये भी होते हैं, बात क्लियर है, कोई दिक्कत, तो अच्छा देखो यहाँ पर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, Φ1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा मॉड C1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है Φ1 Φ2 मतलब खत्म, यहाँ पे Φ2 Φ1 मतलब खत्म, यहाँ पे Φ2 Φ2 मतलब 1, यानी मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आई वो क्या आई हमारे पास, मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो आई है इस वेव फंक्शन की, इस वेव फंक्शन की टोटल प्रोबेबिलिटी जो आई है दैट इज दिस मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर, जैसे यहां पर आई थी 1,
यहाँ पर आई थी हमारे पास वन, वो साफ कर दिया मैंने उसके, इसके लिए क्या आई, मॉड सी वन स्क्वायर प्लस मॉड सी टू स्क्वायर। अच्छा जैसे बात करी जाए कि दो स्टेट्स में था, लाइक फाई वन में भी था फाई टू में भी हो सकता है, तो फाई वन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फाई वन जो टोटल प्रोबेबिलिटी है तो वो हमारे पास ये आई है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ पार्ट होगा फाइव, जैसे इतना आ गया ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती किसके बराबर है, वन के बराबर, टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, वन के बराबर। तो मॉड सी वन स्क्वायर प्लस मॉड सी टू स्क्वायर की वैल्यू टोटल कितनी होगी, ये वन, जी हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। तो अब इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी, अगर फाई वन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो मॉड सी वन स्क्वायर, और फाई टू में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो मॉड सी टू स्क्वायर। नहीं आया, देखो क्या बात करी मैंने कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, मॉड सी वन स्क्वायर प्लस मॉड सी टू स्क्वायर ठीक है, अलग अलग में क्या होगी, मॉड सी वन स्क्वायर इसकी, मॉड सी टू स्क्वायर उसकी, दोनों की टोटल क्या जाएगी, मॉड सी वन स्क्वायर प्लस मॉड सी टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वन के बराबर, ये हमें ध्यान रखना है। अगर नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वन के बराबर होगी, नॉर्मलाइज के लिए, जैसे मैंने बताया ना वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा तभी प्रोबेबिलिटी बनाएगी, अन्यथा नहीं आएगी, कुछ कांस्टेंट आएगी, फिर उस कांस्टेंट से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के साथ में ये चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखो भी, उसको नोट करो। तो आई होप यहाँ तक की चर्चा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए ठीक है। अब आगे की बातें करते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी कि हमारे पास दो तरह के वेव फंक्शन हमें दिए हो सकते हैं, उसी तरह से अब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर टर्म आता है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू से ही आपको थोड़ा समझ आ रहा हो कि मतलब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू आ सकती है, उसको हमें कैलकुलेट करना है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन, टी ए टी आई ओ एन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की अगर बात करी जाए तो सिंपली इसको निकालने का तरीका, इसको निकालने का मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ ठीक है। इसको निकालने का मैंने दो तरह के फंक्शन बताए, एक तरीका ये था जब साई एक्स को सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख रहे थे, और दूसरा मैंने तरीका बताया जब हम साई को इस तरह से लिख रहे थे कि सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, प्लस सो ऑन ठीक है। तो दो तरह से मैंने आपको बताया, दोनों तरह के केस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से निकालते हैं उसके मैं फॉर्मूले डायरेक्ट लिखूंगा ठीक है, उसके फॉर्मूले ही डायरेक्ट लिखे जाते हैं ठीक है। तो इसके इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब किसकी एक्सपेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सवाल उठता है कि किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो जब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हम किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, मतलब लाइक हमें चाहिए कि यहाँ पर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर को यूज़ करके उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की निकाल लेंगे ठीक है। तो हमें मान लो कोई भी क्वांटिटी है ए ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल पैरामीटर है ए ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर ठीक है। इसके लिए जो ए है, ये ए कैप है, ये इसका ऑपरेटर है, किसका ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑफ ए, ऑपरेटर ऑफ ए ठीक है। तब हम इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर, इससे दिखाएंगे ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार ए ऑपरेटर इंटू साई एक्स इंटू डी एक्स। ये तरीका है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की, मतलब जहां पर भी साई स्टार साई था उसके बीच में ए डाल दिया, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस विल बी रिटन लाइक दिस, मॉड साई, सॉरी ब्रा साई इंटू ए ऑपरेटर इंटू कैट साई, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो नीचे हम क्या लिखेंगे भाई, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी लिखी हुई ना, यहाँ पर भी अगर वे फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो टोटल प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर, क्यों कराते हैं, क्यों कराते हैं, ताकि वे फंक्शन जो है पर नॉर्मलाइज इसी में हो जाए, इसी में क्या हो जाए, नॉर्मलाइज भी हो जाए ठीक है। अगर नॉर्मलाइज है तो केवल ऊपर ऊपर वाले पार्ट लिख देंगे, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट आ रहा होगा उसका डिवाइड हो जाएगा और हमारा वे फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्या बात है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन, पक्का 100%। दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, कोई समस्या, अगर समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ठीक है, पक्का
उतारो फिर। अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मान लो हमें दिया गया है कि वेव फंक्शन कुछ इस तरह से कि साई साई एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ई रेस टू पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस इनटू पी नॉट एक्स। ठीक है, कुछ इस तरह का हमें वेव फंक्शन दिया गया और हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आपको बतानी है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ये आपको बतानी है, किस तरह से निकालेंगे देखो ध्यान से। जब अभी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमें भी कुछ भी दिया गया है, इस तरह का वेव फंक्शन दिया गया है, तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जानते हैं क्या करना होता है, हमें साई स्टार पी साई इंटू डी एक्स। ठीक है, ओके, लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मेरे पता नहीं मुझे कि मैंने सवाल सही बनाया है नहीं बनाया है, बट ट्राई करते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, चलो देखता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या आने वाला है यहाँ से। चलो साई स्टार करेंगे तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, नहीं क्या आ जाएगा हमारे पास। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड में क्या रखेंगे, डिवाइड में क्या रखेंगे, साई स्टार साई। ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलना, ओके, इतना नहीं भूलते भाई साहब, है ना, बोल दो मेरे मुंह पे बोलो बिल्कुल। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर देखो, साई स्टार यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी ए स्टार इंटू एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस इंटू पी नॉट एक्स। ठीक है, इंटू मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, बोलो जल्दी, पी ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स रख दो यहाँ पर, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स इंटू वेव फंक्शन क्या है हमारे पास, ए ई रेस टू पावर आई माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू पी नॉट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अपॉन में दिस क्वान्टिटी यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए नॉट और ए डायरेक्ट यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ एक बार फिर कर दूंगा, आई बाई एच क्रॉस इंटू पी नॉट एक्स इंटू ई बाई ये ई आई बाई एच क्रॉस पी नॉट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इससे ये मर गया। ठीक है, यहाँ पे इससे ये मर गया, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारा, अरे कुछ बचा ही नहीं यार, क्या, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं मरा, क्योंकि हमने वहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ई पावर एच क्रॉस इंटू पी नॉट एक्स, ऐसी गलती मेरी तरह मत कर देना, ठीक है, वरना सब गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे नीचे। तो ठीक है, वहाँ पे भी ऑपरेट कराना है क्योंकि डेल बाई डेल एक्स लगा हुआ है यहाँ पे, और जब तक ये लगा हुआ है तब तक यहाँ पे हम काट नहीं सकते क्योंकि पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ काट क्या सकते हैं, यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है, मॉड ए स्क्वायर लिखे ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसको बाहर निकालने कॉन्स्टेंट था ये। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, ई आई बाई एच क्रॉस इंटू पी नॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू पी नॉट एक्स इंटू इसका करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू पी नॉट, करेक्ट है, इंटू डी एक्स, सही है। नीचे क्या हमारे पास, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे सीधा वन हो गया। ठीक, चलो ओके, अब इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या आ गया, माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू पी नॉट इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट नहीं होगी, कुछ और जीरो टू पी मान लो या कुछ भी है दूसरा कुछ मान लो, सपोज दैट हमने मान लिया कुछ 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 होता है कुछ होता है क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक्स की लिमिट है आपके पास ज़ीरो टू पी नॉट मान लो ठीक है, क्या है, हालांकि कुछ भी मानने को मानना है इस तरह से मान लिया। ठीक है, हालांकि एक्स की लिमिट पी नॉट कैसे हो सकती है, या ए मान लो, चलो छोड़ो कुछ भी मान लो ए। ठीक, ज़ीरो टू ए, क्योंकि आंसर मेरे को नहीं पता क्या आएगा इसे एग्जैक्टली, बट हम सिर्फ करना चाह रहे हैं कि देखते हैं कैसे करते हैं किसी सवाल को, तो इस वजह से मैंने सवाल कराया है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए, क्या आ जाएगा, माइनस आई बाई एच क्रॉस इंटू पी नॉट ए। हालांकि कुछ अच्छा आंसर नहीं, आई वगैरह भी आ रहा है वो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने सवाल जो भी बनाया था वही थोड़ा उचित नहीं दिख रहा था मुझे, तो ठीक है जो भी आ रहा है इसको आंसर को आप मत ध्यान दो क्या आ रहा है। ठीक है,
समझ गए ना मेरी बात? करना क्या है वो मैंने बताने की कोशिश करी यहाँ पर कि करते किस तरह से इस सवाल को, ठीक है? ओके, तो इसमें कुछ अच्छे सवाल, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और क्या बताना था आपको? और ये बताना था कि यार सॉरी कि वीडियो आने में लेट हो जाता है, मतलब क्लासेस जो होती है रिकॉर्ड करने में कुछ एक पिछले तो एक आध हफ्ते का समय लग गया इस क्लास को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मेरा भी बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो इस चक्कर में क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस तो बनाता ही रहूं, ठीक है? ताकि रूटीन चलता रहे, सब कुछ अच्छे से, ठीक है? तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? चलो बाय बाय।